जब हम लोग 8 से 10 घंटा रेगुलर काम करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तब हमें जरूरत पड़ती है एक बहुत अच्छी नींद की। हाय एवरीवन, मेरा नाम है अवनी। कैसे हैं आप लोग? आज की जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग है, और साथ ही अगर आप इस बातों को जो आज मैं वीडियो में बताने वाली हूँ उसको अपनाते हैं तो आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी हैबिट्स जो कि आप अपनी लाइफ में अगर लेकर के आते हैं, डेली इसको अगर करते हैं तो आप एक बहुत अच्छी नींद पाएंगे, साथ ही आपका माइंड बहुत रिलैक्स फील करेगा, और जब आप सुबह अगले दिन सुबह में उठेंगे तो बहुत फ्रेश फील करेंगे। क्योंकि मैं बताने वाली हूँ ऐसी कुछ चीजें जो कि आप रात को सोने से पहले कर सकते हैं, जो कि आपके बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर हमें नींद बहुत अच्छी आती है तो हमारी सुबह ऑटोमेटिकली बहुत फ्रेश होती है। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये एक नाइट टाइम रूटीन, जिसको आप अपनी लाइफ में ज़रूर अपना के देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपको डिनर कब करना है। देखिए, रात को सोने से कम 2 घंटे पहले आपको डिनर कर लेना चाहिए। अगर आप रात को सोने से तुरंत पहले ही डिनर करते हैं तो उससे आपकी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, मोटापा बढ़ जाता है, तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। तो ध्यान रखें, कम से कम 2 घंटे पहले आपको जो भी डिनर करना है, जो भी खाना पीना है, वो सब खाएँ और उसको इंजॉय करें, ताकि आपकी हेल्थ भी अच्छी रह सके। इसके बाद ब्रश करना बिल्कुल भूलें। ये आदत आप में नहीं है तो उसको भी ज़रूर ऐड कीजिए, साथ ही अपने बच्चों में भी इस आदत को ज़रूर डलवाइए। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, काफ़ी लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन आज से आप इसको स्टार्ट कीजिए। इसके साथ साथ अपना स्किन केयर रूटीन, जो भी आपको नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन करना है वो चीज़ को फॉलो कीजिए। आपको कोई DIY लगानी है वो अप्लाई कीजिए, जैसे कि मैं अभी दही क्लिनजिंग कर रही हूँ, दही की हेल्प से वो कर लीजिए। इसके बाद मेडिटेशन या फिर नाइट टाइम योगा जो होता है वो करने के लिए टाइम ज़रूर दीजिए। इससे बहुत फ्रेश फील होता है, आपको बहुत हल्का महसूस होता है, माइंड भी रिलीफ करता है। तो मेडिटेशन अगर आप 5 मिनट भी करते हैं ना दोस्तों, तो उसका भी बहुत अच्छा से फ़र्क पड़ता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप इसको ज़रूर करके देखिए। इसके साथ साथ ध्यान रखना है कि आपको वो सब चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है जो कि आप कल करने वाले हैं, ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूटे ना। जो भी चीज़ें आपको करनी है या फिर जो हो चुकी हैं उन पे टिक लगा दीजिए, क्योंकि वो सब काम हो गए हैं, और बाकी जो करनी है उन सबको अपने ध्यान में रख सकें। इसके साथ साथ कल आप क्या पहनने वाले हैं वो भी आप निकाल के अभी रख दीजिए, क्योंकि सुबह में बहुत रश होता है, बहुत सारे काम होते हैं हम लेडीज़ को। साथ ही साथ ये आदत अपने बच्चों में और अपने हस्बैंड को भी ट्राई कीजिए कि ये सब चीज़ें करके रखे रात में, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत काम होते हैं। अगर ये काम आप पहले ही रात में करके रख लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। रात को सोने से कम 1/2 घंटे पहले अपना स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद कर दीजिए। कोई TV नहीं, कोई फ़ोन कॉल नहीं, और कोई भी गेम वगैरह कुछ नहीं। इसके साथ साथ अपना अलार्म सेट कर लीजिए, सुबह आपको किस टाइम पे उठना है, और चार्जिंग ज़रूर करके रखिए अपने फ़ोन को। क्योंकि कितनी बार होता है कि सुबह हम लोग फ़ोन चार्ज करना भूल जाते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी फ़ोन में ही रहती हैं। तो ये आप आदत में डाल लेंगे ना तो आपको आदत पड़ जाएगी। इसके साथ साथ ध्यान रखिए, रात को सोने से पहले फोन हमसे थोड़ा सा दूर होना चाहिए, बिल्कुल पास में फोन रख के नहीं सोएं। साथ ही फ्रेंड्स, जो ये किसी भी फूल की, फ्लावर की जो खुशबू होती है वो हमारे माइंड को बहुत रिलैक्स करती है। तो अगर अपने रूम में एक अरोमा क्रिएट करेंगे आप, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है उस चीज़ का। ये मैं आपको लिटरली अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ किया है, आप यहाँ पे ऑयल डिफ्यूज़र का यूज़ कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है उस चीज़ से अपने रूम को एक अरोमा ज़रूर दें, उससे आपको बहुत अच्छी नींद भी आती है और माइंड बहुत अच्छे से रिलैक्स करता है। इसके बाद अपने रूम को तैयार कर लें, क्योंकि अब हम सोने वाले हैं। तो जितनी भी विंडोज़ हैं, पर्दे हैं, उन सबको अच्छे से लगा दें, ताकि हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। इसके बाद अपने आप को हाइड्रेट करके ज़रूर सोएं, क्योंकि हम काफ़ी देर तक सोने वाले हैं। तो जितना हो सके आप पानी पीजिए या फिर नाइट टाइम ड्रिंक जो होता है वो लीजिए। कोई जैसे नाइट टाइम की जो टी मैंने बता रखी है काफ़ी सारी, आप वो ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ज़्यादातर लेती हूँ मेथी सीड्स का पानी, जो कि बहुत अच्छा लगता है, वो मैं ले रही हूँ, उससे बहुत अच्छी नींद भी आती है। इसके साथ साथ एक चीज़ का जो ध्यान रखना है कि सोने से पहले जितनी भी लाइट्स हैं वो आप बंद कर दें या फिर डिम लाइट रखें अपने रूम में, उससे नींद बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, थकान बहुत अच्छे से दूर होती है। तो
देखा आप लोगों ने कितनी इंटरेस्टिंग वीडियो थी ना, तो होपफुली आप लोग ये चीज को जरूर अपनाएंगे। और बहुत सारी चीजें आप नहीं अपना सकते तो थोड़ी तो जरूर अपनाइएगा, फायदा बहुत मिलेगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, चलो अब मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।